तो डी वाली सर्विस करने के बाद पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए सर दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ये एक तरीके की डी वीडियो होने वाली है क्योंकि इस गाड़ी का सर्विस का टाइम आ चुका है आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये चली कितनी है गाड़ी आप लोग काफी पूछते हैं कि आपकी जो गाड़ी थी टिगोर आप आजकल बहुत कम दिखाते हैं और वो चली कितनी है चली हुई है आपका सेवेंटी सेवन थाउजेंड के आसपास मोटे मोटे तौर पे आप कह लो अठहत्तर हजार चल चुकी है सेवनटी एट ये देखो सर्विस का भी वो आ रहा है कि जीरो किलोमीटर ये काफी दिनों से आ रहा है काफी लेट हो चुका हूँ मैं एक साल से ऊपर हो चुका है इसकी सर्विस को ये सर्विस मैं घर पे करने वाला हूँ और साथ के साथ जो ये सेटअप है ये मिस्टर टेक्निकल ज्ञान का है कैमरे के पीछे है वो अभी फिलहाल हेलो <laughs> तो इनका जो है जैक पाना मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं ठीक है और ये हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर इसकी सर्विस ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि कितना आसान होता है गाड़ी की सर्विस करना कई ऐसे लोग होते हैं जैसे काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं 100 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो है उनके सर्विस स्टेशन होते हैं उनके दो दो दिन ख़राब हो जाते हैं कोई भी पहाड़ी क्षेत्र आप ले लो

इंजन ऑयल जो कि टाटा रिकमेंड करती है सेम ग्रेड 5W30 और जेन्युइन टाटा का ऑयल फिल्टर जेन्युइन एयर फिल्टर और साथ के साथ काफी लंबी चल चुकी गाड़ी और हमें शक है कि इसकी थ्रोटल बॉडी में काफी गंदगी होगी तो उसके लिए क्लीनर भी लेकर आए और करना तो वैसे ये चाहिए कि आप थ्रोटल बॉडी जो है एवरी सर्विस पे क्लीन कर लीजिए क्लीन करने के लिए डीआईवाई तरीका ही आज हम बताएंगे और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल बॉडी होती है उसको डिसमेंटल करके दोबारा लगाने के टाइम होता क्या है कि उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है लेकिन आज जो हम लोग तरीका बताएंगे उसमें आपको डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है और ना ही कैलिब्रेशन की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले जैक लगा लेते हैं जैक को लगा लेते हैं नीचे जैक की वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका फिल्टर वगैरह सब ऊपर है लेकिन हमें क्या करना है इसका ब्रेक पैड्स वगैरह चेक करने हैं बस यहीं पे लिफ्ट कर देते हैं लिफ्ट करने से पहले हैंड ब्रेक लगा लेना जरूरी है और हम लोगों ने पहले ही अप्लाई किया हुआ है और गाड़ी को भी स्टार्टिंग में पूरा लिफ्ट नहीं किया है हल्का सा टायर जमीन पे लगे हुए हैं क्यों क्योंकि अभी हमको व्हील का ये जो बोल्ट्स है ये बोल्ट्स लूज करके लेने हैं क्लॉक वाइज कोई भी बोल्ट खुलेगा और क्लॉक टाइट होगा अब इसको जो है उठा लेते हैं प्रॉपरली अब जो है दोनों जैक स्टैंड हमने लगा लिए हैं अब इसको हम धीरे धीरे जो है लूज करके गाड़ी को नीचे कर लेते हैं और यहां गाड़ी प्रॉपर आ गई नीचे देखने दोनों तरफ दो। वैसे इनकी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन हम आ, काम कर रहे हैं तो सेफ्टी पर्पज से इसको लगा के रखेंगे जैक पे भी लोग काम कर लेते हैं अब काम है टायर निकालना।, निकालना यहां पर ब्रेक पैड जो है काफी सही है काफ़ी ज़्यादा 50 परसेंट से ज़्यादा बचे हुए हैं अभी तो फिलहाल ये तो अब इस टायर को भी हमने खोल लिया है इसको खोल के इसको नीचे डाल लेते हैं और साथ के साथ जो है ना मैंने ग्लव्स भी डाल ली है पहले पहनना भूल गया था मैं <laughs> तो अगला काम है हमारा इसका ऑयल ड्रेन करना ऑयल ड्रेन करते हैं लेकिन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अपने सस्पेंशन की हालत सॉक एब्जर्बर की कोई लीकेज वग़ैरह नहीं है तो ओके कंडीशन में है और ये वाले ब्रेक पेड भी ऑलमोस्ट नए हैं आप देख सकते हैं फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा है खोल के दिखाएंगे अभी आप जज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर चलो ओहो हाइट ज्यादा है इसलिए हो सकता है छोटा पड़े मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जल्दी पहुंच जाओगे आप और यहाँ पर हमने ऑयल का जो ट्रेन है उसको खोल के इंजन ऑयल जो है इस ट्रे में निकाल दिया है अब ऑयल तो हमने ड्रेन कर लिया अब बारी आती है ऑयल फिल्टर को खोलने की उसके लिए स्पेशल टूल की जरूरत होती है कई बार एक बार आगे आइए कई बार जो है ना हाथों से खुल जाता है अगर नहीं खुलता है तो इसके लिए स्पेशल टूल होता है फिल्टर इंच हाँ तो इसको खोलते हैं थोड़ा सा तरीका है इसको फिट करने का और ये जो है थोड़ा सा जोर लगाने में खुल गया हाथ से नहीं खुल रहा था इसकी मदद से खुल गया इसमें से ऑयल गिर रहा है हां ऑयल गिरेगा निकाल देना तुरंत बाकेट नीचे ट्रे को वैसे एडजस्ट कर लिया हमने ताकि उससे ऑयल गिरे तो ज़मीन पर ना गिरे और एंटी क्लॉक वाइज़ आप इसको जो है निकाल सकते हैं आराम से काफ़ी गाड़ियों में बहुत मशिक्क़त होती है क्योंकि नीचे दिया होता है हाथ डालने की जगह नहीं होती है लेकिन इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं ये वो चीज़ है जो आपके इंजन ऑयल में कचड़ा आ जाता है ना उसको फिल्टर आउट करती है ऑयल फिल्टर कहा जाता है इसको और इसका भी चेंज होना काफ़ी ज़रूरी है जब आप ऑयल चेंज करते हैं अपनी गाड़ी में से अब हम इसका नया वाला लगा लेते हैं इसको रख देते हैं नीचे अब मैं क्या करूंगा? इसमें जो इसकी रबर है ना इसमें इंजन ऑयल लगा लेता हूँ पुराना वाला ये क्यों जरूरी है बताएंगे जरा जरूरी इसलिए कि जब ये इसको टाइट करेंगे ना तो बिल्कुल अपने सीट पे बिल्कुल फिट होना चाहिए ये रबर जब तक वहाँ पे घूमेगी और जब इसका ये रबर का पिंच होने का टाइम आएगा तो फिर एक्चुअल जगह पे वो बिल्कुल पिंच हो जाएगी

ये थोड़ा सा स्लिपरी हो गया है इसको कपड़े से साफ कर लो किसी? थोड़ा सा मेरे हाथों का ऑयल इसमें लग गया तो ये अब स्लिप कर रहा है तो मुझे पहले इसको जो है साफ़ करना पड़ेगा इसके बाद ये तरीके से टाइट होगा ये प्रॉपरली अब जो है टाइट हो चुका है इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है अब ऑयल फिल्टर तो हमने चेंज कर दिया अब एयर फिल्टर को चेंज कर लेते हैं आठ की गोटी से ये जो है एयर फिल्टर की हाउसिंग खुलेगी जिसके ऊपर रिवर्ट्रॉन लिखा होता है और अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग मेथड होता है आप ओनर मैनुअल में देख सकते हैं उसमें लिखा रहता है कि कैसे खुलेगा कैसे एयर फिल्टर को आप चेंज कर सकते हैं तो नट सारे मैंने खोल दिए हैं इसको ऊपर उठा के यहाँ पर इसके लॉक होते हैं ये जो लॉक हैं ये निकालने पड़ते हैं पीछे कोई नट बोल्ट नहीं होता और ये रहा इसका एयर फिल्टर जो कि काफ़ी गंदा हो चुका है देख सकते हैं आप इसे इसे हमने प्रॉपरली रिप्लेस करना है इसको अभी हम धोकर या फिर एयर प्रेशर मार के इसमें जो है काम नहीं चलाएंगे इसको साइड में रख देते हैं और जो दूसरा एयर फिल्टर लगाने से पहले ये सफाई करनी जरूरी है और यहाँ पर से आप देख सकते हैं थ्रोटल बॉडी कितनी ज़्यादा गंदी है आप देख सकते हैं ये थ्रोटल बॉडी में उसके कॉर्नर में कार्बन जमा हुआ है इसको सफाई की सख्त ज़रूरत है ये देखिए तो इसको साफ़ कर लेते हैं बढ़िया तरीके से ये सारी डस्ट नहीं तो आपके इंजन के अंदर जाएगी और इंजन की ऐसे की तैसे करेगी वहाँ पर तो करना क्या है ये थोटल बॉडी क्लीनर है इसको माइक्रोफाइबर क्लोथ में हम ले लेते हैं इसको पहले ना ऊपर से जो इसमें आ, कार्बन टाइप का है उस पर साफ़ करेंगे और मुझे नहीं लगता कि मेरी उंगली जाएगी तो मुझे जो है आपकी मदद लेनी पड़ेगी आप आ जाओ <laughs> नहीं जा रही है अंदर जी इस तरह से लिया स्प्रे किया थोड़ा सा यहां भी कर दिया कार्बन आया अदरवाइज क्या होता है ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये चले जाते हैं इंजन के अंदर अगर हम इसको इंजन को स्टार्ट करके करते तो आप देख सकते हो कितनी गंदगी है आप साइड में देखिए और जो साइड साफ हो चुकी है उसको देखिए आप. आपको साफ अंतर आएगा वैसे इसको मैनी फोल्ड निकाल कर भी साफ किया जा सकता ना आ, ये निकाल निकालें तो इजीली अब क्या करना होगा ना ये जो थ्रोटल प्लेट है इसको खोलना पड़ेगा और खोलने के लिए इंजन इंजन में स्टार्ट नहीं करना है, करना है को सिर्फ इग्निशन ऑन और एक्सीटर पैडल को प्रेस करना है तो मैं जाके प्रेस करूँ फिर आप यहाँ से क्लीन करोगे हाँ और एक चीज और ऑडियंस जो देख रही है कभी ऐसा ना हो कि जिसने प्रेस किया हुआ है वो बिल्कुल लापरवाही करे अगर उसने पेडल वहां से छोड़ा तो यहाँ उंगली दब जाएगी तो भैया आप ध्यान से मैं भी कर सकते नहीं थोड़ा बहुत अंदर जाता तो कोई नहीं है लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाए इसके लिए अब मैं प्रेस करूंगा है ना? हाँ। प्रेस करूं? जी नीडर रोके करिए बंद करना एक बार एक साइड की हो गई साहब दूसरी साइड की मेरी उंगली नहीं जा रही है दूसरी साइड का मैं करता हूँ आप प्रेस करो है ना काफ़ी हद तक हमने यहाँ से क्लीन कर दिया अब छोड़ना भैया पैडल हाँ ये वाली प्लेट अभी रहती है थोड़ी सी एक टूथब्रश भी लिया मैंने क्योंकि वहाँ तो ना एक्सेस नहीं था पूरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा भैया अब प्रेस कीजिए आप हाँ अब इस चीज़ को कर पाएंगे क्लीन ये जो कचरा जमा हुआ ये वाला ये देख रहे हैं। ये देखो कितना अब छोड़ दो पैडल इग्निशन ऑफ कर दूं हो गया हाँ हो गया ये अब जो है देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चमक रही है कपड़ा दिखाना एक बार इसका क्या हाल हुआ ओहो कपड़ा और आपका ब्रश भी बहुत ब्रश भी काला पड़ा पूरा और यहाँ पर भी देखो ना ये सब थ्रोटल बॉडी का गंध है जो यहाँ पर लगा हुआ है ब्रश में वैसे इसको ना अगर बहुत अच्छे तरीके से करना हो तो डिसमेंटल करके इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे हम डिसमेंटल करेंगे फिर वो भी दिखाएंगे कि कैसे करते हैं डिसमेंटल और कैसे उसको लगाएंगे कैलिब्रेट वगैरह जो भी है लेकिन फिलहाल हमने इतना कर दिया इसको कि अब हमको कहीं जा और इवन ये वाली चीजें जो है ना सर्विस सेंटर वाले भी आपको इतना काम नहीं करके देते आपने इतनी सर्विस सेंटर पर सर्विस है लेकिन अभी तक इन्होंने ये किया नहीं हाँ ये तो है और अगर आप कर रहे हो डी तो कितना टाइम लगता है मुश्किल से पांच मिनट आपने स्प्रे किया निकाल दिया चलो अब इसका एयर फिल्टर लगा लेते हैं हाँ एयर फिल्टर ले आओ आप ये रहा एयर फिल्टर बड़ा ही आसान है लगाना बस फिट कर देना है ऐसे ही और जो कवर है उसको थोड़ा सा साफ करके लगा देना है पहले इसके लॉक फंसाने हैं। तो जब तक हम ये काम कर रहे थे तब तक ये जो ऑयल है पुराना वाला वो सारा ड्रेन हो चुका है अब जो है ड्रेन जो प्लग है उसको लगा लेते हैं उससे पहले बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर लेना होता है इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं साफ कपड़े से अब जाके इसको नीचे लगा लेते हैं और हमारा अभी काम रह गया है डिस्पेट इंजन ऑयल डालना है ना इंजन ऑयल डाल दो भैया इंजन ऑयल इसमें यहाँ से डलेगा टाइमिंग चेन दिख रही है तो अब इसमें जो है ऑयल डाल देते हैं नया इंजन ऑयल अरे ये तो बहुत अरे 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 कोई बात नहीं आ जाएगा थोड़ा सा ऑयल गिर गया है मेरे से तो इंजन ऑयल जो है गाड़ी के अंदर पूरा डल चुका है अभी हम इसको बंद कर लेते हैं और इसमें लगभग साढ़े तीन लीटर के आसपास आता है टाटा मोटर्स रिकमेंड करती है कि साढ़े तीन लीटर डालो इतनी कैपेसिटी आपकी टियागो अल्ट्रोज नैक्सोन सभी में डलती है और मैक्सिमम जो बारह सौ की गाड़ियाँ होती है उसमें साढ़े लीटर ही आता है और जो इंजन ऑयल लिया है हमने फाइव रिकमेंडेड इंजन ऑयल है आपको चाहिए कि आप यूजर मैनुअल देखें और उसके हिसाब से डालें बिल्कुल तो एक तरीके से कहा जाए जो नॉर्मल सर्विस है ना वो कम्प्लीट हो चुकी है हमारी इंजन ऑयल हो गया ऑयल फिल्टर हो गया एयर फिल्टर हो गया ये ही सर्विस आपकी जो बाहर आप करवाते हैं वो तीन चार हज़ार की पड़ जाती है ठीक है कि और ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराते हैं वहाँ पर लेबर चार्ज आपको बताइए कितना रहता है इस जैसी गाड़ियों का पंद्रह सौ से दो हज़ार के बीस दो हज़ार के आसपास रहता है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया वैसे अभी करते हैं वो ब्रेक आ, ब्रेक ब्रेक पैड 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 करते करते हैं हैं चेक करते, क्लीन करते हैं ना और उसके लिए बहुत कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है सिंपल है अब भैया बताएंगे आपको ब्रेक पैड तो अब हमने जो आगे वाले डिस्क है डिस्क पैड की सफाई करनी है उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा उसको यहाँ से इधर से इसको खोल के और एक चीज का ध्यान रखना जो ये कैलिपर है ना उसको पीछे को धकेलना पड़ता है अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो ब्रेक पैड लगाते वक्त ना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ब्रेक पैड लगेगा नहीं अभी ये प्रॉपरली पीछे हो चुका है जब आप ब्रेक दबाते हैं आगे की तरफ आके आपके ब्रेक पैड को प्रेस करता है तभी ये डिस्क में चिपकते हैं आपके ब्रेक लगते हैं चाहे आपका टू व्हीलर हो डिस्क ब्रेक वाला उसमें भी ये चीज़ें चलती है खोलते वक्त चाहे आपकी साइकिल क्यों ना हो डिस्क ब्रेक वाली ये ऐसे हमने ये हाउसिंग को उठा दिया ये है कैलीपर इसको हमने पीछे करा था जो ये ब्रेक पैड अभी आप कंडीशन देख सकते हैं काफी ज्यादा बचे हुए हैं अभी ये है। से ज़्यादा जैसे आपको बताया था एक खास बात भर जाती है। अच्छा चलते हैं तो इतना घिसाव होता है डिस्पेट का खुद ही घिसाव होता है वो घिसाव होकर भरा हुआ होता है तो हमने क्या करा एक प्लेन सरफेस ली उसके ऊपर रखा ऐसे करके हम प्लेन सरफेस के ऊपर इस पैड को घिसेंगे। ये देखिए आप कितनी डस्ट निकल रही है से। प्लेन सरफेस का होना जरूरी है कि आपके जो पैड है ना ये बिल्कुल इवन होंगे अगर आपने उबड़ खाबड़ सरफेस पे घिसना शुरू किया तो क्या होगा कि एक साइड से उठा हुआ और एक साइड से घिसा हुआ आएगा बिल्कुल बिल्कुल देखिए अब दोनों ब्रेक पैड की सरफेस एकदम प्लेन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकली इसमें से ठीक है पांच छह महीने की मेहनत लग पाँच छह मिनट की मेहनत लगती है इसमें अब इसको जो है वैसे ही फिट कर देते हैं ठीक है और एक और चीज यहाँ पर आपने देखनी होगी ये जो मूवमेंट है ये कैलिपर पिन की है ये मूवमेंट होनी चाहिए और ना ही कोई आवाज होनी चाहिए चूचा की अगर आवाज है तो इसमें लुब्रिकेशन कम है

आम ग्रीस कराने से एक नुकसान क्या है वो भी बता ही देता हूँ मैं चलो आम ग्रीस जब कराते हैं तो जब आपका व्हील चलेगा और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हीट होगा हीट होने के बाद आम ग्रीस क्या होता है कि एक टाइम पे पिघल के बाहर हो जाता है जब वो पिघल के बाहर हो जाएगा तो फिर आपकी पिन का मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होने लगेगा और आपकी पिन वहाँ से कट जाएगी अभी प्रॉपरली फिट हो चुके हैं आपने अगर यहाँ पर कैलिपर पिन को पीछे नहीं किया होता ना यहाँ पर अभी लगना मुश्किल हो जाता छोटा सा काम है देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस होगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीजें थी जो ध्यान रखने की चीजें थी वो भैया ने आपको बता दी कि हाँ ये ये चीजें ध्यान रखनी है कैलीपर पिन आपको बता दिया पैड बता दिए और हाँ ये चीज टाइट होनी चाहिए और ओवर टाइट भी नहीं होनी चाहिए कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा टॉर्क देके हम लोग इसको ओवर टाइट करते हैं बोल्ट के हिसाब से टॉर्क देना है टाइट हो गया डिस्क फ्री है अब इसी तरह से दूसरी तरफ का भी कर लेते हैं अब ये भैया कर रहे हैं इधर दूसरी साइड का व्हील एक व्हील दिखा दिया आपको कैलीपर ऊपर हो गया इसमें तगड़ी डस्ट डस्ट एक में मिल रही है वो भी अंदर साइड वाले में मिल रही है बाहर साइड वाले में नहीं मिल रही है ये तो जमी हुई थी प्रॉपरली hmm. अब दोनों को मैंने क्लीन कर लिया है अब मैं इसे लगाने वाला हूँ और एक चीज और बता दूँ ये आपका ना ब्रेक पैड वियर इंडिकेटर है आप देख सकते हैं जो इसकी जो बेस प्लेट है उससे थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है ताकि इससे पता चल जाए अगर आपका यहाँ तक ब्रेक पैड घिस जाता है तो ये टकराता है उसमें और आवाज़ करता है ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके ब्रेक पैड जाने वाले हैं ताकि आपका जो ये मेटल है ना ये आपके डिस्क पैड को खराब ना करे और जैसे ये हमने क्लीन करके लगाए सेम इसी तरह से ब्रेक पैड चेंज करने का भी यही प्रोसेस है अगर चेंज करना हो तो आपने निकाला और लगा दिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये काम तो हो गया परफेक्ट दोनों तरफ के डिस्क पैड हो गया क्लीन टायर लगा लीजिए जाए अब हाँ। टायर को लगा लिया जाए एक चीज आप देख रहे होंगे कि भैया ने ये जो बोर्ड लगाए ये क्रॉस में लगाए पहले इसके पीछे भी एक लॉजिक है रीजन है जरूरी है कि ये आमने सामने के बोल्ट पहले लगने चाहिए कभी अब कई बार आप लोग स्टपनी बदल रहे हो या टायर वगैरह चेंज कर रहे हो तो इसका भी ध्यान रखिए और खासकर कसते समय कसते समय समय नहीं समय समय टाइट <laughs> करते समय क्रॉस में टाइट करेंगे एक 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 बार किया, फिर एक बार 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 ये 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 टाइट टाइट किया 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 फिर 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 वो ऐसा नहीं कि फुल एक बार घुमा दिया एक को टाइट फिर फुल एक को टाइट और ये चीज ना मैंने कई बार जैसे टायर जो चेंज करते हैं पंचर कर रिपेयर करते हैं ना वो भी बहुत गलती करते हैं ज्यादातर गलतियां है उनके यहाँ होती है गाड़ियों का नाश जो होता है ना ज्यादातर तो ये मैकेनिक लोग करते हैं और मैकेनिक लोग कुछ नहीं क्योंकि उनके यहाँ छोटे छोटे लड़के होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी बस वो देखते देखते जो सीखे उन्होंने पूरा वैसा ही किया अभी क्या होगा इससे कि आपका टायर ना प्रॉपरली बैठ जाएगा अपने बेस में अगर आप डायगोनली करते हैं तो और ज्यादा टाइट नहीं करना है बराबर टाइट करते हुए चलना है और ये जो सस्पेंशन दिख रहा है ना आपको सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा ऐसा उसमें के अंदर भी रॉकेट साइंस नहीं है फुल सस्पेंशन क्या होता है क्या चीज़ ख़राब होती है क्या चीज़ नहीं होती है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत लंबी एक सीरीज़ बना रखी है मैंने अच्छा अगर आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया लिंक दे देंगे वहाँ पे एक बार जाके मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं टेक्निकल ज्ञान के नाम से चैनल है डी आई वाई वीडियोज़ बनाता हूँ मैं और कोशिश करता हूँ कि आपके कार के मेंटेनेंस को कुछ कम किया जा सके और जब कस्टमर अवेयर होगा यानी कि जो कार ऑनर अवेयर होगा तो फिर उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा अब जो है फुल टाइट इसको नीचे बैठाने के बाद किया जाएगा हाँ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है टायर घूम जाएगा बिल्कुल अब जैक को डाउन मैं करूंगा भैया ने बहुत मेहनत कर ली ये थोड़ा मेहनत का काम मुझे करना चाहिए धीरे धीरे और ये जैक हटा दिया हमने और जैक डाउन होने के बाद सबसे पहला काम जो है अपने टायर के जो नट वगैरह है उसको कस लेना भूल मत जाना कुछ और भूल जाना मिले टायर मत भूलना कसना तो ये जो तो ये चीज़ तो निपट गई तो ब्रेक पैड वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं टायर वगैरह फिट कर लिए हैं कस लिए हमने अब करना क्या है कि ये जो इंजन ऑयल का लेवल है ना वो चेक कर लेना काफ़ी देर हो गई है इंजन ऑयल डाले हुए ये डीप स्टिक से आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर मैं इसको पूछ के दोबारा डालता हूँ साढ़े तीन लीटर डाला है तो मैक्सिमम लेवल में दिखाना चाहिए ये इसको पूरा अंदर डाल के निकालना है और ये यहाँ तक दिखा रहा है मतलब मैक्सिमम तक ये इंजन ऑयल है बिल्कुल सही क्वांटिटी में है इंजन के अंदर इंजन ऑयल और उसके साथ साथ ही आपने जो है अपना ब्रेक फ्लू चेक करना है यहाँ पर अभी ये मैक्मम से ऊपर हो गया क्योंकि हमने कैलीपर दबाया था पीछे से तो ये ऊपर से निकल भी गया है इसको बढ़िया से टाइट कर लेते हैं और साथ के साथ कूलेंट का लेवल जो कि मैक्स में है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपकी बैटरी पानी वाली है मेंटेनेंस फ्री बैटरियाँ आ गई है आजकल तो अगर पानी वाली है उसका भी लेवल चेक कर सकते हैं कम हुआ तो आप उसे डाल सकते हैं यहाँ से आसानी से खुल जाते हैं किसी में पकड़ के खोलने वाले होते हैं किसी में ये ग्रूव से कटे इसका एक टूल आता है सिक्के से भी खुल जाता है बड़े प्यार से और टर्मिनल जरूर देख लें अपने टर्मिनल जैसे इसके साफ सुथरे हैं तो डी वाली सर्विस करने के बाद पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए ये इसलिए इसने लंबा सेल्फ लिया क्योंकि इसके अंदर ना टोटल बॉडी क्लीनर घुसा हुआ है ठीक है अब थोड़ी देर के बाद जो है आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगी एक बार में थोड़ी देर इसको आइडियल पे ही चलने देंगे और चेक कर लेंगे सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर लेंगे कहाँ से कोई ड्रेन नट तो लूज़ नहीं रह गया फिल्टर से तो ऑयल नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें एक बार इंस्पेक्ट कर लीजिए नीचे भी एक बार दिखा देते हैं ये ड्रेन नट है ड्रेन नट बिल्कुल तो सूखा हुआ है अभी जो है हुआ क्या मेरे से थोड़ा सा इंजन ऑयल गिर गया यहाँ पे वो तो जात के सीधा बेल्ट में गया अब वो बेल्ट आवाज कर रही है चिक 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 वो तो, तो खैर थोड़े दिनों बाद जो है ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद और एक चीज थोड़ा सा ना ब्रेक अप्लाई करो आप ताकि ब्रेक का वो देख ले मैं पिस्टन को फोकस करूँ हाँ ये देखो हाँ सही है बस थोड़ी देर के लिए जो है ना आ, मतलब पेडल फ्री था फ्री था ना हाँ। अब देखना वो लेवल भी कम हो गया होगा उसका हाँ अभी लेवल डाउन चला गया हाँ। नहीं।, नहीं ना, पहले ऊपर आ गया था पहले गिर चुका था ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो टपक रहा है यहाँ से तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक चलिए हो जाती है थोड़ा एक बड़ा कीप लेते तो वो नहीं गिरता बहरहाल कोई बात नहीं छोटी छोटी बात तो होती रहती है तो ये हो गई है सर्विस और कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ जो इंजन ऑयल था ग्यारह बारह सौ के आसपास का था इसमें डिस्काउंट भी मिला था एक सौ बीस रुपये का हमें एक सौ बीस रुपये का मैकेनिक कूपन इन साइड था जो बच गया हमको अच्छा ये लगभग एक हजार साठ रुपये का पड़ा और साथ के साथ ये दोनों ये तो 600 के कुछ का है ये एयर फिल्टर टाटा का टियागो वगैरह का बहुत महंगा आता है टियागो टिगोर का ये दोनों साढ़े सात सौ के थे और साथ में हमने ये लिया था तो हमने उसको टोटल नौ सौ दस रुपये दिए थे इन तीनों चीज़ों के सौ रुपये के आसपास एक थ्रोटल बॉडी लगभग मिलता होगा अभी भी इसमें बचा है आप दो बार इसको यूज़ कर सकते हैं कहने का मतलब ये है तो ये है मैक्सिमम जो सामान आया है दो का आया है और अपनी जो है लेबर मेहनत वो अपनी है

बाकी और कुछ नहीं है इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे पार्ट रिप्लेस ही हुए हैं कुछ हमने ऐसा नहीं करा है कि आगे पीछे एडजस्ट करा है पार्ट रिप्लेस हुआ है और एक तरीके की सफाई करी है जो ब्रेक पैड वगैरह हैं उनकी सफाई करी है बस इतना सा है तो मोटे मोटे तौर पर दो हज़ार रुपये में सर्विस हो गई है और मेरे दिहाड़ी लगा लो आप वो उस हिसाब से आप अपनी दिहाड़ी लगा लो कितनी है ठीक <laughs> है आज की वीडियो में बस इतना ही यही आपको दिखाना चाह रहे थे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब पीछे जो कैमरे के अंदर है टेक्निकल ज्ञान जी ठीक <laughs> है कभी कैमरे के आगे भी आओ आप एक दिन आएंगे 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 कैमरे के के आगे भी आएंगे, और भैया साथ ही चलो अच्छी है बात है, है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो तब तक के लिए बाय बाय ख्याल रखिए अपना भारत माता की जय बस इतना ही नहीं जाने से पहले एक बात और बोल देता हूँ आपको अगर कोई डी से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में सवाल है आप टेक्निकल ज्ञान चैनल में जाके कमेंट में पूछ सकते हैं उन, उनका इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा बेफिक्र रहिए आप कोई मैकेनिक आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है ठीक है आपको लूटने की कोशिश कर रहा है ऑथराइज सर्विस सेंटर लूटने की आ, मतलब फिराक में है तो आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं उनसे इसी के साथ मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग